हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के हमारे विशेष महोत्सव में। यदि आप लोगों को याद होगा, ठीक एक साल पहले, एक वर्ष पहले हमने नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी, इनके ये बहुत ही सुंदर विग्रह की स्थापना की थी। आज ही के दिन उनके तिरुभाव महोत्सव में, तो आज पहली सालगिरह है। और नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, इनके विषय में मुझ जैसा अधम पतित क्या कह सकता है। जो कुछ पढ़ा सुना इनके विषय में, बस अपने आप के शुद्धिकरण के लिए उसे दोहराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि श्री हरिदास ठाकुर जैसे महाभागवत, वो भगवान की ही तरह अवतरित होते हैं, इसलिए उन्हें महाभागवत कहा गया है। और चैतन्य महाप्रभु जो कि युगावतार हुए, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने युग धर्म देने से पहले नामाचार्य हरिदास ठाकुर को यहाँ पे भेजा, और वो इसलिए ताकि हरिनाम का महत्व भगवान से पहले भगवान के भक्त प्रस्थापित करें। तो श्री हरिदास ठाकुर जिनका आज तिरुभाव दिवस है, मैं आज सुबह से विभिन्न प्रकार के हमारे वैष्णव आचार्यों की टीका, उनके ग्रंथों में जो इनके विषय में बताया गया था, पढ़ रहा था। तो हमारे इस्कॉन के रूप विलास प्रभु एक हैं, श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल, उन्होंने एक अलग से विशेष पुस्तक लिखी है श्री हरिदास ठाकुर इनके ऊपर। और जीव गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, सनातन गोस्वामी, इन्होंने बहुत अपना उद्गार लिखा हुआ है, उत्प्रेक्षा उनकी दी है। तो तुलना की गई है श्री हरिदास ठाकुर इनके तिरुभाव की भीष्म पितामह के तिरुभाव से, कि जैसे भीष्म पितामह उन्हें वरदान मिला था इच्छा मृत्यु का, तो उसी प्रकार से श्री हरिदास ठाकुर, उनके अंदर भी यही शक्ति थी इच्छा मृत्यु की, और उन्होंने अपना तिरुभाव अपनी इच्छा के अनुसार आयोजित किया। तो श्री हरिदास ठाकुर, जैसे कि हमारे वैष्णव ग्रंथों में बताया गया है कि वो ब्रह्मा जी और प्रह्लाद महाराज, इन दोनों के मिश्रित अवतार हैं। तो जब इनका तिरुभाव हुआ, अब ये नहीं समझना चाहिए कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद नहीं हैं, वो साइमल्टेनियसली चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद भी हैं, वो ब्रह्मा जी भी हैं और वो प्रह्लाद महाराज भी हैं। तो जब उनका तिरुभाव हुआ, तो ब्रह्मा जी वो अपने सत्यलोक गए, प्रह्लाद महाराज सुतल लोक गए, और जो नित्य चैतन्य महाप्रभु के परिकर पार्षद श्री हरिदास ठाकुर, वो नित्य नवदीप धाम गए। तो इनकी तुलना भीष्म पितामह से कैसे की जा रही है, कि ये चैतन्य महाप्रभु के पहले पैदा हुए, और कितना पहले, 35 साल पहले। तो इनके पैदा होने का एक कारण ये था कि पहले से इन्होंने ठान लिया था कि महाप्रभु के तिरुभाव को मैं नहीं देख पाऊंगा, इसलिए
उनके अंतर्धान होने से पहले मेरा तिरोभाव हो जाए, ये उनकी इच्छा थी पहले से। और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा नहीं थी कि इनका तिरोभाव हो, परंतु इनकी इच्छा इतनी प्रबल थी, महाप्रभु ने यहां तक कह दिया चैतन्य हरिदास ठाकुर से कि मैं जो कुछ हूं, मेरे अंदर जितनी भी शक्ति है हरिनाम देने की, वो आपके वजह से। ये स्टैंडर्ड था, ये इमेज क्रिएट किया था श्री हरिदास ठाकुर ने युगावतार श्रीमान गौरांग महाप्रभु के मन में। परंतु फिर भी जब श्री हरिदास ठाकुर, उन्होंने तीव्र इच्छा व्यक्त की और उन्होंने जो वाक्य कह दिया कि मैं एक चींटी के समान हूँ, एक चींटी का इस पूरी सृष्टि में कहीं खो जाना या मर जाना, इस सृष्टि को क्या फर्क पड़ता है, तो मेरा होना या ना होना क्या फर्क पड़ेगा। और ये वो केवल सुपरफिशियली नहीं कह रहे थे। तो इस प्रकार की नम्रता, इस प्रकार की शुद्धता, तो महाप्रभु को उनकी इच्छा के सामने झुकना पड़ा। तो आचार्य कहते हैं कि ये एक मिसाल है कि एक भक्त की इच्छा होती है और एक भगवान की इच्छा होती है। भक्त इच्छा, भगवत इच्छा, इन दोनों में विजय किसकी होती है? जब भक्त इच्छा करता है और भगवान इच्छा करते हैं तो विजय भक्त की इच्छा की होती है। डिजायर ऑफ अ डिवोटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिजायर ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो श्रील हरिदास ठाकुर ने अपने तिरोभाव से इस सिद्धांत को सिद्ध किया और उसके पश्चात महाप्रभु उन्होंने कहा कि जो कोई श्री हरिदास ठाकुर के इस तिरोभाव उत्सव में भाग लेगा, जो कोई श्री हरिदास ठाकुर का गुणगान करेगा, जो कोई श्री हरिदास ठाकुर का गुणगान श्रवण करेगा, उसके जिह्वा पर शुद्ध नाम अवश्य एक दिन आएगा। तो इस आशा से आज हम ये महोत्सव मना रहे कि ये महाप्रभु ने हमें आश्वासन दिया है और हम प्रामाणिकता से श्री हरिदास ठाकुर जी इनका ये तिरुभाव उत्सव में भाग लें और उन्हें अपने जीवन का हरिनाम आचार्य बनाएं, तो अवश्य ही हम जो इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं हमारी साधना भक्ति में, तो एक दिन शुद्ध नाम हमारे जिह्वा पर आएगा। तो शुरुआत करते हैं श्री हरिदास ठाकुर इनके जन्म से। जैसे हमने कहा 1451 में इनका जन्म हुआ, 35 साल पहले, महाप्रभु के 35 साल पहले। तो सिग्निफिकेंस क्या है उसका? सिग्निफिकेंस ये है कि महाप्रभु पहले से ठान लिए थे कि इन्हें नामाचार्य बनाना है और जो नामाचार्य होंगे उनकी आयु मुझसे ज्यादा होनी चाहिए, या मेरे जितने अन्य पार्षद होंगे उन सब से इनकी आयु ज्यादा होनी चाहिए, ये आयु में भी, ये वयोवृद्ध भी होने चाहिए। तो ये सिग्निफिकेंस था उनका चैतन्य महाप्रभु से 35 साल बड़ा होने का। फिर जैसे हमने कहा कि उनके अंदर ब्रह्मा जी और प्रह्लाद महाराज, तो वैष्णव आचार्य कहते हैं कि ब्रह्मा जी क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी बुद्धि के बने हुए हैं और इस कलयुग में हरिनाम संकीर्तन, जो कि भक्ति मार्ग का ये प्रमुख अंग है, तो पहले से जो दार्शनिक ज्ञानी हैं
वो भक्ति मार्ग और ये कीर्तन इत्यादि को बुद्धिमत्ता का मार्ग नहीं मानते, वो कहते हैं ये भावुक लोगों के लिए है, ये कीर्तन भजन करना ये ज्ञानियों का काम नहीं है, ये जो आत्म साक्षात्कारी हैं उनका काम नहीं है, ये भावुक लोगों का काम है। इसलिए श्रीला हरिदास ठाकुर नामाचार्य ब्रह्मा जी उनके रूप में आए या वो ब्रह्मा जी के रूप में, किसी भी तरीके से आप समझो कि जो बुद्धि के बने हुए हैं, सबसे बड़े जो ब्राह्मण हैं, सबसे बड़े जो ज्ञानी हैं, उनके अंदर केवल एक ही एलिमेंट है, इंटेलिजेंस। वो आकर क्या दिखा रहे हैं कि इस कलयुग में एक ही उपाय है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन सारे ज्ञानियों, उन सारे दार्शनिकों को बताने के लिए कि हरिनाम संकीर्तन हमारी बुद्धि की पराकाष्ठा है, बुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा है, इसलिए ब्रह्मा जी वो इस रूप में आए। और प्रह्लाद महाराज, क्योंकि प्रह्लाद महाराज उनके तरह किसी ने बद्ध जीवों के प्रति करुणा नहीं दिखाई थी, प्रह्लाद महाराज ने यहाँ तक कह दिया कि यदि मुझे कोई वरदान देना है तो ये वरदान दीजिए कि जितने बद्ध जीव हैं, जो कुकर्म पाप में लगे हुए हैं, जो यम यातना भोगने के लिए उस दिशा में जा चुके हैं, मैं उनके बदले जाना चाहता हूं और वो आपके धाम चले जाएं। तो जो प्रचारक की भूमिका, एक कृपालु प्रचारक की भूमिका प्रह्लाद महाराज ने निभाई, तो वो श्रीला हरिदास ठाकुर ने उसे अपनाया और फाइनली वो पैदा हुए मुसलमान परिवार में, एक मुसलमान यवन परिवार में पैदा हुए। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या कि यदि महाप्रभु एक मुसलमान परिवार में पैदा हुआ हुए व्यक्ति को नामाचार्य बना सकते हैं, तो हम लोग जो हिंदू परिवार में पैदा हुए हैं, हम यदि हरिनाम लेकर अपना जीवन सफल नहीं करेंगे तो लानत है। क्या है? लानत है। क्योंकि कलयुग में महाप्रभु जानते थे कि ये सब कुछ बहुत इसका आडंबर होगा, जातिवाद इत्यादि, कौन कौन सी जाति का है और वो हिंदुओं में, तो महाप्रभु ने पूरे कास्ट को ही बदल दिया है, मतलब रिलीजन को बदल दिया, सॉरी कास्ट को नहीं, दूसरे मुसलमान धर्म का मैं व्यक्ति को नामाचार्य बनाऊंगा। तो अब यदि हम कुछ प्रसंग लेंगे, वैसे तो इतने सारे उनके पूरे जीवनी यदि लें तो बहुत समय लग जाएगा, कुछ प्रसंग हमने लिए हैं उसमें से क्या लेसन्स हम सीख सकते हैं। तो जब श्रीला हरिदास ठाकुर हालांकि मुसलमान परिवार में पैदा हुए, परंतु बचपन से हरिनाम के प्रति जो उनकी स्वाभाविक आसक्ति थी कि वो दिन रात और कुछ नहीं बल्कि केवल हरिनाम लिया करते थे, और कहीं पर मेंशन नहीं है कि कोई उनको दीक्षा किसी ने दी, किसी ने उनको प्रीच किया, किसी ने उनको प्रचार कर हरिनाम के बारे में बताया, कहीं पर उसका कोई मेंशन नहीं, स्वाभाविक रूप से। और क्योंकि अब मुसलमान परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति हरिनाम ले रहा है, और जो उस समय के कट्टर ब्राह्मण कर्मकांडी जो ब्राह्मण, वो देखते थे कि इसको किसने ये अधिकार दिया, तो दोनों ओर से बड़ा प्रश्न चिन्ह। परंतु ये श्रील हरिदास ठाकुर वो बचपन से इतना हरिनाम लेते थे कि जैसे वो बड़े होते गए, उनके बाह्य रूप के ऊपर जो तेज, उसका वर्णन दिया गया है,
उनकी भुजाएं जैसे महाप्रभु की तरह उनकी भुजाएं आजानुलंबित भुजाओं, उनकी भुजाएं घुटनों के नीचे तक जाती, उनकी आँखें जैसे कि भगवान की कमल, भगवान को कमल नयन कहा गया है, कमल की तरह उनकी बड़ी बड़ी आँखें और ऐसा तेज उनके चेहरे के ऊपर। तो जब कोई उनको हरिनाम लेते हुए देखता, कोई हिंदू ब्राह्मण, तो उसे समझ नहीं आता कि ये मुसलमान परिवार में कैसे पैदा हुआ, ये तो हमारा ब्राह्मण लगता है, ऐसा तेज, ये ब्रह्म तेज तो किसी ब्राह्मण के अंदर ही हो सकता है। तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते और इनकी ऐसी शुद्धता, ऐसे शुद्ध नाम को सुनकर मुसलमान कंफ्यूज हो जाते कि रीचेक करना होगा कि क्या ये सच में हमारे कौम में पैदा हुआ है। तो ये पहला लेसन क्या है कि उनकी जो ये शुद्धता थी ये उनका सबसे बड़ा श्रृंगार था, द मोस्ट ब्यूटिफुल कॉस्मेटिक। और उन्होंने जाकर किसी को बताया नहीं कि हरिनाम के प्रति कितनी आसक्ति है उनके हृदय में, केवल हरिनाम लेते हुए जो उनके आसपास के जो ब्राह्मण थे उनका हृदय परिवर्तित होने लगा और वो धीरे धीरे सोचने लगे कि ब्राह्मण कौन है, ये या हम, क्योंकि वो आंतरिक भाव नहीं देख पा रहे थे, केवल शरीर, केवल हरिदास ठाकुर के बाह्य शरीर को देखकर उनका हृदय परिवर्तित होने लगा। अब इतना ही काफी नहीं था, क्योंकि श्री हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य बने, इतना आसान नहीं है नामाचार्य बनना, अर्थात पूरे कलयुग, और केवल कलयुग नहीं, हरिनाम तो हर एक युग में सर्वोपरि बताया गया है। तो ऐसे हरिनाम को जो कि हर एक युग में सर्वोपरि बताया गया है, ऐसे हरिनाम के आचार्य बनना साधारण बात नहीं है। What it takes to become a नामाचार्य। तो उस समय का वो जो मैजिस्ट्रेट था काजी, उसने जब देखा शिला हरिदास ठाकुर वो ये हिंदुओं का मंत्र लेकर और खुद काफिर बन गया है और इसका प्रभाव हमारे दूसरे बहुत ही वफादार और शुद्ध मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, तो वो जाता है उस समय के जो नवाब हुसैन शाह, उनके पास जाकर शिकायत लगाता है कि ये जो बंदा है हमारा, अब तथाकथित हमारा बंदा हो गया है और ये उनका बन गया है, ये सब कुछ कर रहा है, काफिर बन गया है, दूसरों को काफिर बना रहा है, हिंदुओं का, इनके भगवानों का नाम लेता है। तो जब नवाब हुसैन शाह के सामने पेश किया गया शिला हरिदास ठाकुर को, तो उन्होंने कहा कि देखिए भगवान वही हैं, वही अल्लाह, वही भगवान श्री कृष्ण हैं, आपके हृदय में वो आपको अल्लाह का नाम लेने के लिए प्रेरित करते हैं, मेरे हृदय में वो ये हरिनाम लेने के लिए प्रेरित करते हैं। तो नवाब हुसैन शाह, अब ये कोई साधारण सी बात थी, परंतु नवाब हुसैन शाह ने जब वो शुद्ध वाणी सुनी शिला हरिदास ठाकुर की, तो नवाब हुसैन शाह भी कन्विंस हो गया। वो भी काजी को कहता है कि ये ठीक तो बोल रहा है, इसमें गलत क्या है? नहीं, ये ठीक होगा, परंतु ये दूसरों को बिगाड़ रहा है, ये विष फैला, ये जहर फैला रहा है, ये तो इसके जहर को रोकना होगा। तो क्या करें, इसे कोणों से मारना होगा, कोणों से मारकर फिर देखते हैं कि इसकी जो वफादारी इस हरिनाम के प्रति कितनी है।
तब समझ में आएगा कि इसके अंदर वो जो निष्ठा श्रद्धा उसके हरिनाम के प्रति कितनी है। तो उस समय वो नियम था उनका नवाब हुसैन शाह का कि जिस किसी को भी कोड़ों से मारा जाता था तो वो सबके सामने, और वो भी उस समय उनके 22 बाजार थे, तो 22 बाजार में मारते हुए और बड़े बड़े उनके मुष्टंडे और वो हंटर अपना लिए हुए वो ऐसा दंड देते थे। तो वहां से जो शुरुआत हुई इनको मारने की, एक और उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा था कि जब भी वो जिस किसी को भी इस प्रकार का दंड देते थे तो ज्यादा से ज्यादा 2 बाजार तक वो टिक पाता था वो मुजरिम। बस 2 बाजार के बाद या तो वो कबूल कर लेता था जो उनको चाहते थे वो कबूल करवाना, या फिर प्राण अपने छोड़ देता था। यहाँ पर 22 बाजारों में, और जब श्री हरिदास ठाकुर को कोड़ों से मार रहे थे वो, तो हरिदास ठाकुर के चेहरे पर मुस्कान थी और मुस्कुराते हुए वो क्या कहते जा रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये भी सीखने योग्य बात है। कई बार हम लोगों को 16 माला करना पड़ता है, कोई कोड़ों से नहीं मार रहा है, अच्छी से हमको बिठाया जा रहा है मंदिर में पंखे लगाकर तुलसी महारानी के पास, परंतु हमारा चेहरा ऐसा हो जाता है कि जैसे पता नहीं कोई पीछे से 22 बाजार में कोड़े मार मार कर 16 माला करा रहा है। यहाँ श्री हरिदास ठाकुर इनको जो मारा जा रहा था, तो वो जो मुष्टंडे जो मार रहे थे उनको शर्म आ रही थी, उनको दया आने लगी, और अन्य जो ब्राह्मण जो खिल्ली उड़ाते थे, जो मजाक उड़ाते थे हरिदास ठाकुर इनका, वो अपने घरों से धनराशि लाने लगे। एक ब्राह्मण को धनराशि निकालकर मुसलमान मुष्टंडों को देना, ये आज भी असंभव है, उस समय तो असंभव ही था। पहले तो ब्राह्मण को धनराशि निकालना मुश्किल है, ब्राह्मण जो है वो धनराशि लेना जानते हैं, ज्यादातर देना नहीं जानते, उनका लेना बैंक है, देना बैंक नहीं। तो यहां वो लोग अपने घरों से धनराशि ला रहे हैं और इन मुष्टंडों को रिश्वत दे रहे हैं, अरे भाई तुम खाली एक्शन करो मारने का, इतना मत मारो, क्योंकि दया होती है ब्राह्मणों के अंदर, तो उनको दया आ रही थी, सबको दया आ रही थी, लेकिन आदेश है काजी का, नवाब हुसैन शाह का, तो पालन, क्योंकि आदेश ये था कि ये यदि नहीं मरे तो किसी को तो मरना है, ये नहीं मरेगा तो तुम्हें मरना है। तो वो परेशान कंफ्यूज, उनके अंदर ये मिक्स्ड फीलिंग सबके अंदर, जब वो देख रहे हैं कि ये कौन व्यक्ति किस मिट्टी का बना है कि इतने कोड़ों को खाने के पश्चात इसके चेहरे पर शिकन नहीं, और बावजूद उसके ये मुस्कुराते हुए हरिनाम ले रहा है। तो जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि जो व्यक्ति शिला हरिदास ठाकुर के इस प्रसंग में वो जो मुस्कुराते हुए कोड़ों को अपने ऊपर ले रहे थे, उस पर यदि कोई ध्यान दे, यदि उस पर अपना ध्यान लगाए, एनीवन हु सिंपली मेडिटेट्स on the bliss which Haridas Thakur was experiencing while being beaten, will never experience any physical pain. ये वरदान मिला हुआ है. Will never experience any physical pain. Just meditating on the bliss of Haridas Thakur while he was being beaten.
तो वो लोग अब हरिदास ठाकुर उन्हें कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि ये मुष्टंडे ये इतने थक गए शारीरिक रूप से और आंतरिक रूप से हताश हो गए, ये जाकर प्रार्थना करने लगे कि कौन हो आप, जो भी हो हमारे ऊपर दया करो। वो क्या कहने लगे, हमारे ऊपर दया करो, किस प्रकार से कि यदि तुम नहीं मरोगे तो वो नवाब हुसैन और वो काजी वो हमें मार डालेंगे, तो कम से कम हमारी जान बख्शो। ये कौन बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं जो मार रहे थे। तो इन्हें बचाने के लिए श्रीला हरिदास ठाकुर वो समाधि में गए और वो ऐसी समाधि थी कि जिसमें सबको लगा कि श्रीला हरिदास ठाकुर उनका निधन हो गया है, फाइनली देहांत हो गया उनका। तो अब जब ये समाचार सुनाया गया तो काजी बहुत खुश हुआ। तो प्रश्न ये, नवाब हुसैन शाह ने कह दिया तो दफना दो इन्हें। नहीं, अरे दफना देंगे तो फिर हो सकता है इसे जन्नत मिल जाए, क्योंकि ये हमारे धर्म के अनुसार होता है दफनाना। नहीं, गंगा में बहा दो, मछलियाँ और बाकी जो प्राणी हैं वो खा लेंगे, गंगा में बहा दो। जो उस समय के वो कट्टर ब्राह्मण थे वो बोले नहीं, गंगा में भी नहीं बहा सकते आप इसे। तो कई थे वो ये मानते थे कि हाँ गंगा में शुद्ध हो जाएंगे, ठीक है बहाने दो गंगा में इनके देह को। तो गंगा के तट तक उनके शरीर को लाया गया। कल्पना करो कि कोई साधारण व्यक्ति भी जिसकी मृत्यु होती है तो लोग आ जाते हैं, थोड़ा अच्छी बातें बोलते हैं, सत्कार थोड़ा उसका होता है, एक साधारण से व्यक्ति के भी मृत शरीर को अच्छे से ट्रीट किया जाता है और ये साक्षात ब्रह्मा जी और प्रहलाद महाराज चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद उनके शरीर के साथ ये डिस्कशन चल रहा था। तो गंगा के तट पर श्रील हरिदास ठाकुर उनके शरीर को लिटाया गया और इनको आदेश दिया गया था कि जबरदस्ती फेंको, गंगा में फेंको इनके शरीर को। तो ये सारे मुष्टंडे आए कि ये फाइनल जो हमको आदेश दिया गया इसको पूरा करें। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु जिनका नाम है विश्वंभर, तो विश्वंभर चैतन्य महाप्रभु वो श्रीला हरिदास ठाकुर के शरीर में प्रवेश किए, जो पूरे विश्व का भार उठाए हुए हैं विश्वंभर, वो हरिदास ठाकुर के शरीर में प्रवेश किए और हरिदास ठाकुर के शरीर को इस पूरे ब्रह्मांड से भी ज्यादा भारी बना दिया ताकि कोई उनके शरीर को उठा न सके। प्रयास कर रहे हैं सारे, उनके राज्य के जितने मुष्टंडे पहलवान थे सबको बुलाया गया, कोई उनके शरीर को टस से मस न कर सका और वहीं पर छोड़कर वो चले गए। और फिर महाप्रभु वो चाहते थे, क्योंकि गंगा देवी चाहती थी कि श्रील हरिदास ठाकुर का वो स्पर्श करे। जनरली हम लोग गंगा का स्पर्श करना चाहते, परंतु गंगा देवी हरिदास ठाकुर का स्पर्श करना चाहती थी शुद्ध होने के लिए। तो इसलिए उन्हें गंगा में जब उनके शरीर को छोड़ा गया तो वो तैरने लगे और उनके मुख से जैसे ही ये सारे मुसलमान दूर हुए और इनकी जान बची, ये जाने के पश्चात पुनः श्रीला हरिदास ठाकुर वो जीवित हो गए। बोलो श्रीला हरिदास ठाकुर की। और जब वो जीवित हो गए तब वहाँ के सारे ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए, यहाँ तक कि
नवाब हुसैन शाह, उन्हें जब पता चला तो नवाब हुसैन शाह कहता है कि ये तो कोई पीर है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये तो कोई पीर लगता है। अब ये सब कुछ हुआ, इसके पश्चात श्री हरिदास ठाकुर, उनका जो यश है वो सब जगह फैलने लगा इस घटना के पश्चात। तो वो गए, फुलिया करकर जगह है बंगाल में, तो फुलिया ग्राम गए जहाँ पर वो उस समय रह भी रहे थे। तो वहाँ के कुछ ब्राह्मण, उन्होंने श्री हरिदास ठाकुर से पूछा कि आप यदि इतने शुद्ध भक्त हो भगवान श्री हरि के, तो आपको ये इससे क्यों गुजरना पड़ा, ये कोड़ों से आपको मारा गया, 22 बाजार में आपको घसीटते हुए वो लोग ले गए, इतना अपमान, अरे आप अगर भगवान के इतने शुद्ध भक्त हो तो आपको इन सब से क्यों गुजरना पड़ा। तो यहां पर ये जो अगला लेसन, ट्रू ह्यूमिलिटी शुड बी प्रोडक्टिव। श्री हरिदास ठाकुर, उनका जवाब वो हृदय को द्रवित करने वाला है। उन्होंने इन ब्राह्मणों को कहा कि मुझे उन कोड़ों से मारा गया, 22 बाजार में जो जिल्लत मुझे दी गई, जो मुझे जलील किया गया घसीटते हुए, वो इसलिए क्योंकि मैंने एक दफा उनके मुख से वैष्णव की निंदा सुनी थी, उसका परिणाम था वो, क्योंकि मैंने उनके मुख से हरिनाम की निंदा और वैष्णव की निंदा सुनी, इतना बड़ा अपराध मैंने किया कि मैंने वो सुन लिया, उसके वजह से मुझे उसका ये परिणाम मिला। अब देखिए, ये बहुत ही एक भारी वाक्य था कि ब्राह्मण भी वो इसे झेल नहीं पाए। तो इसे हमें प्रोडक्टिव क्यों बताया गया है, क्योंकि श्री हरिदास ठाकुर जैसे भगवान के शुद्ध भक्त, उनके ऊपर कोई प्रारब्ध कर्म, कोई कर्म के नियम नहीं लागू होते। अरे जब ये बताया गया है, अहो बत शपचो तो घरियान यद जिह्वागरे वर्तते नाम तुभ्यम, कि अजामिल और ऐसे व्यक्तियों के विषय में बताया गया है कि जिसने यदि एक दफा नामाभास कर लिया, नाम केवल सांकेतिक रूप से ले लिया भगवान का, वो अपने सारे पापों से, प्रारब्ध कर्म जितने कर्म है उनसे वो मुक्त हो सकता है। तो यहाँ पर तो ये शुद्ध नाम ले रहे थे, तो इनके ऊपर कौन सा कर्म, कौन से कर्म का नियम लागू हो सकता है। तो ये इन्होंने कहा हमें सिखाने के लिए, इनकी ये नम्रता ये हमें सिखाने के लिए है, यदि हम हरिनाम ले रहे हैं तो उसके साथ साथ वैष्णव निंदा और हरिनाम की निंदा, उसके जो परिणाम हैं वो बहुत गंभीर हो सकते हैं। ट्रू ह्यूमिलिटी शुड बी प्रोडक्टिव। तो अब इसके पश्चात श्री हरिदास ठाकुर, उनके जीवन में एक बहुत ही विशेष घटना हुई। तो वो एक घर पर पहुंचे जिस घर पर एक सपेरा, सपेरा जानते हैं आप लोग, स्नेक चार्मर, एक सपेरा जो है वो उसके कुछ चेले चपाटों को लेकर और सांपों को लेकर वो एक उत्सव कर रहा था, और ये उनका एक वार्षिक उत्सव था इन सपेरों का। तो ये उत्सव ऐसा था कि ये सपेरा, ये वसुकी जो सभी सर्पों के अधिष्ठात्रा देव माने गए हैं वसुकी, तो वसुकी को अपने अंदर अवतरित कराता ये सपेरा, और फिर जो वो गीत गाता, बीन बजाता, तो उससे सारे जो सर्प हैं वो इस सपेरे को देखकर,
तो वो सपेरे को नहीं देखते बल्कि सपेरे के अंदर जो वसुकी का आवेश हुआ है उनको देखकर ये सारे सर्प नृत्य करने लगते। तो इस दिन जब श्रीला हरिदास ठाकुर इस घर पर आए जहां पर ये सपेरे का खेल चल रहा था, तो ये सपेरे ने जब आह्वान किया वसुकी का और फिर ये गीत गाने लगा कालिया कृष्ण का कि कैसे कृष्ण, जब हरिदास ठाकुर को देखा तो अंदर पता नहीं क्या स्फूर्ति हुई इसके अंदर कि इसने जो प्लान किया था वो गीत बदल कर इसने कौन सा गीत गाना शुरू किया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण कालिया के फनों के ऊपर नृत्य कर रहे थे। और जब वो बीन बजाते हुए वो गा रहा था तो ये सारे बाकी के सर्प वो अपना अपना फन आगे कर रहे थे, मानो भगवान श्री कृष्ण इनके फनों के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। अब इस गीत को जब श्रीला हरिदास ठाकुर ने सुना तो श्रीला हरिदास ठाकुर भाव विभोर अवस्था में चले गए, एक्सटेसी, अष्टविकार उनके अंदर आ गए। और जब अष्टविकार उनके अंदर आए तो हमारे आचार्य ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या उस सपेरे को देखकर या उस सपेरे के मुख से कीर्तन सुनकर अष्टविकार उनके अंदर आए? नहीं, क्योंकि उस समय श्रीला हरिदास ठाकुर के प्रेजेंस के वजह से वसुकी नहीं बल्कि साक्षात अनंत शेष ने प्रवेश किया इस सपेरे के शरीर में। अन्य दिन वसुकी प्रवेश करते थे जब भी ये आह्वान करता था, परंतु इस दिन इसे भी नहीं समझ में आया कि इसके शरीर में अनंत से साक्षात गुरु, आदि गुरु जो हैं उन्होंने प्रवेश किया। और क्योंकि उनके मुख से जब कालिया कृष्ण का कीर्तन सुना श्री हरिदास ठाकुर ने, किनके मुख से? अनंत शेष के मुख से, तो वो भाव विभोर अवस्था में चले गए। और जैसे ही भाव विभोर अवस्था में हरिदास ठाकुर नृत्य कर रहे हैं, ये सपेरा साइड में हो गया। सारे इनके जो संगी, सपेरे के संगी, वो देख रहे हैं कि ये कौन व्यक्ति है और ये कैसा नृत्य है कि हमारा सरदार ये सपेरा ये साइड में हो गया। सारे सर्प वो साइड में खड़े होके देख रहे हैं, श्रीला हरिदास ठाकुर बीच में नृत्य कर रहे हैं। और बहुत समय तक ये चला। उसके पश्चात वहां पर एक ब्राह्मण था जो इस दृश्य को देख रहा था, तो उसे लगा कि सभी लोग, ये कौन व्यक्ति, एक तो ये मुसलमान लगता है और इसका सब लोग गुणगान कर रहे हैं। अरे मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, मैं भी करके दिखा सकता हूं, तो मेरा भी गुणगान लोग करेंगे। तो उसके पश्चात उसने अपना परफॉर्मेंस दिखाया। तो जैसे ही उसने शुरू किया नकल करना, किसे? हरिदास ठाकुर की नकल करना प्रारंभ किया, क्योंकि उस समय हरिदास ठाकुर वो तो बेहोश गिर गए थे उस अवस्था में। तो ये आया और इसने शुरू कर दिया। तो जैसे ही इसने शुरू किया, नकल कर रहा है, तो यहां पर ये कौन सा लेसन है? व्हाट हैपेंस व्हेन फेक रियल, फेक मीट्स द रियल, असली नकली का आमना सामना जब होता है। तो ये सपेरा ये आकर इसे पीटने लगा, कूटने लगा इस ब्राह्मण को, इस फर्जी व्यक्ति को। तो बाकी के उसके संगी पूछने लगे कि ये क्या हो रहा है, पहले वो जो नृत्य कर कर गा रहे थे उनका तो आपने गुणगान किया और इसे आप मार रहे हैं, क्यों? ये भी तो वही कीर्तन कर रहा था, ये भी तो उसी प्रकार से नाच रहा था, तो इसे क्यों मारा और उसका क्यों गुणगान किया? तब जाकर ये सपेरा वो इन सबको कहता है कि ये कौन व्यक्ति हैं, ये श्रीला हरिदास ठाकुर मैं बताना चाहता हूं आज तुम सबको कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। जैसे ही इस व्यक्ति ने प्रवेश किया कि जो इसकी आभा, जो इसका तेज, ब्रह्म तेज जो मैंने देखा, अनुभव किया, तो मैं अपने आपा खो बैठा और मैं बताना चाहूंगा कि ये वो व्यक्ति है कि जो साक्षात भगवान के नित्य पार्षद होते हैं और जहां कहीं पर भी महाप्रभु अपना अवतार लेते हैं ये उनके साथ अवतार लेते हैं, ये वो व्यक्ति हैं।
ये वो व्यक्ति हैं जिनका दर्शन करने के लिए सारे 33 करोड़ देवता लाइन में खड़े रहते हैं। ये वो व्यक्ति हैं कि स्वयं गंगा देवी वो इनका स्पर्श करना चाहती हैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए। ये वो व्यक्ति हैं कि यदि कोई व्यक्ति इनको शरणागत होता है और तीसरा व्यक्ति इन्हें शरणागत हुए व्यक्ति का दर्शन करता है तो शुद्ध हो जाता है। वन हु सीज द पर्सन हु हैज टेकन शेल्टर ऑफ हरिदास ठाकुर बिकम्स प्यूरिफाइड। दिस इज दैट पर्सन। और मैं ये सब जो बोल रहा हूं मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि कौन बोल रहे थे? अनंत शेष साक्षात बोल रहे थे। मैं नहीं बोल रहा, कोई बुलवा रहा है मेरी जीवा से ये सब कुछ, वो सपेरा कह रहा है। और फाइनली वो अपने सारे संगियों को कहता है, वो कहता है कि तुम लोगों ने ये जो प्रश्न पूछा कि क्या है इस व्यक्ति में ऐसा विशेष, तो ये प्रश्न जो तुमने पूछा है तुम्हारा उद्धार हो गया, क्योंकि तुम्हारे प्रश्न की वजह से मेरी जिह्वा के ऊपर ऐसे महान भागवत का गुणगान आया। तो ये इंस्टेंस जो हुआ उसके अंदर पता चला इस सपेरे ने अपने सारे वहाँ के उसके संगियों को कहा कि ये व्यक्ति के अंदर कोई भी प्रकार का कैतव नहीं है, हिपोक्रेसी नहीं है, इसलिए जो भी कुछ ये करता है इस व्यक्ति के नृत्य को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं, इस व्यक्ति के हरिनाम में भाग लेने के लिए साक्षात हरि आते हैं, ये व्यक्ति है। और फिर फाइनली हम ये प्रसंग लेंगे जिसके अंदर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ने प्रस्थापित किया कि इस कलयुग में यदि हमारे उद्धार के लिए कुछ है तो वो है हरिनाम संकीर्तन, और वो भी कौन सा हरिनाम संकीर्तन? उच्च स्वर में किया गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो जब श्री हरिदास ठाकुर उच्च स्वर में कीर्तन किया करते थे तो एक बार एक विद्वत सभा, ब्राह्मणों की ज्ञानियों की विद्वत सभा, उन्होंने इन्हें बुलाया और उन्होंने पूछा कि सबसे पहले बताओ कि कहाँ लिखा गया है ये चिल्ला चिल्ला कर भगवान का नाम लेना, कहाँ लिखा गया है, कौन से शास्त्र में लिखा गया है, और ये जो तुम चिल्ला चिल्ला के ये नाम लेते हो भगवान का, पता है इससे क्या हो रहा है? चातुर्मास्य चल रहा है और चातुर्मास्य में भगवान विष्णु वो अपना शयन करते हैं और उत्थान एकादशी, जैसे शयन एकादशी में शुरू होता है भगवान सोने जाते हैं और उत्थान एकादशी में उठते हैं, जो चातुर्मास के अंत में एकादशी आती है, तो अभी वो सोए हुए हैं उनको तुम ये चिल्ला चिल्ला के उठा रहे हो। किसी भी व्यक्ति को उसकी नींद पूरी होने से पहले कोई उठाता है तो होता क्या है? क्रोधित हो जाता है वो। अनुभव किया होगा? तो जब कोई किसी को उसकी नींद से पहले उठा देता है तो वो व्यक्ति क्रोधित होता है। तो तुम्हारे इस हरिनाम से तुम भगवान विष्णु को क्रोध दिला रहे हो, ये उनका पॉइंट था, लॉजिक था। एक ने आके कहा, वो बंगाली थे सब, यदि इस हरिदास के इस उच्च स्वर के हरिनाम के वजह से मार्केट में बाजार में यदि चावल नहीं मिलेंगे तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। उसे चावल प्रिय थे,
उसे लगा कि भगवान इतने क्रुद्ध हो जाएंगे कि बंगाल में चावल बंद कर देंगे, और बंगालियों के लिए चावल नहीं मिले, हरिनाम नहीं मिले चलेगा, बाकी कुछ नहीं मिले चलेगा, चावल चाहिए। तो ये ऐसे अलग अलग वो लोग रीजंस देने लगे। फाइनली वो लोग शास्त्र के ऊपर आए कि ठीक है, शास्त्र में कहाँ लिखा गया, शास्त्र में तो इतने नियम बताए मंत्रों के ऊपर कि कैसे गुप्त होते हैं सारे मंत्र। तब फिर श्री हरिदास ठाकुर वो ये श्लोक सुनाते हैं। ये श्लोक दशम स्कंद से है, और ये प्रसंग है जब शिवरात्रि के पश्चात सारे ब्रजवासी अंबिकावन जाते हैं, और वहाँ रात्रि में वो जमुना के तट पर निवास करते हैं, तो एक सर्प वो नंद महाराज को निगलना प्रारंभ करता है। उस समय नंद महाराज भगवान श्री कृष्ण को पुकारते हैं मदद सहायता के लिए, तो जब छोटे से कृष्ण वहाँ पर आते हैं और अपने स्पर्श से, चरणों के स्पर्श से उस सर्प को मारते हैं, और वो सर्प फिर जो कि एक विद्याधर जिसका नाम था सुदर्शन, वो अपने सुंदर रूप में प्रकट होता है और वो प्रार्थनाएं अर्पित करता है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, और इस विद्याधर जिसका नाम था सुदर्शन अपनी प्रार्थनाओं में वो ये श्लोक कहता है। और बहुत इस श्लोक के ऊपर जी गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी उन्होंने टीकाएं लिखी हैं। क्यों लिखी हैं? क्योंकि श्रील हरिदास ठाकुर ने यह श्लोक कोट किया प्रूव करने के लिए व्हाई लाउड चैंटिंग इज रिकमेंडेड स्पेशली इन कलयुग। तो ये सुदर्शन इस विद्याधर ने कहा इस श्लोक में, मेरे पीछे ये श्लोक आप लोग दोहराइए, बहुत ही ये महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि आज के दिन इस श्लोक को गाना, क्योंकि ये श्लोक डायरेक्टली श्रील हरिदास ठाकुर ने हरिनाम संकीर्तन कलयुग में उच्च स्वर से गाना क्यों जरूरी है उसको प्रूव करने के लिए कहा था। यन्नाम गृणन खिलान श्रोत्रनात्मानमेव च सद्य पुनाति किं भूय तस्य स्पृष्ट पदाहिते यन्नाम गृहणं खिलान श्रोत्रुनात्मानमेव च सद्य पुनाति किं भूय तस्य स्पृष्ट पदाहिते यन्नाम गृहणं खिलान श्रोत्रनात्मानमेव च सद्य पुनाति किं भूय तस्य स्पृष्ट पदाहिते। तो यहाँ पर सुदर्शन विद्याधर भगवान से कह रहे हैं कि यन नाम, आपका एक नाम ग्रहणन जब कोई लेता है, ग्रहण करता है। यहाँ पर हमारे आचार्यों ने, जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने बहुत सुंदर एक एक शब्द की व्याख्या दी है। तो सब अखिलान अर्थात सब जब उसको सुनते हैं, तो सुनेंगे कब? जब उच्च स्वर में लिया जाएगा तब तो सुनेंगे। तो देखो कितना रेलेवेंट श्लोक कोट किया है हरिदास ठाकुर जी ने। तो जब उच्च स्वर में जब कोई हरिनाम लेता है, तो जो अखिलान सभी जो उसको श्रवण करते हैं श्रोत्र, तो तुरंत सद्य पुनाति शुद्ध होने लगते हैं, वो तुरंत शुद्ध होने लगते हैं। तो अब ये जो श्लोक जिसके अंदर श्रील हरिदास ठाकुर, उन्होंने तो मान लो कि
चार लाइनों में इसका अर्थ बता दिया। अब जीव गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, वो कहते हैं कि खास कर कलयुग के लिए ये श्लोक क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए श्री हरिदास ठाकुर ने इस श्लोक को चुना। बहुत से श्लोक और कोट कर सकते थे, हरिनाम की महिमा तो कितने ग्रंथों में बताई गई है, भागवत में ही कितने श्लोक हैं, परंतु ये श्लोक क्यों चुना? तो कहते हैं कि क्योंकि इन ज्ञानियों को और इन ब्राह्मणों को बता रहे थे श्री हरिदास ठाकुर, तो वो बताने लगे कि जैसे जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं, किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं, तो उस शब्द के उच्चारण की जो श्रृंखला कहाँ से प्रारंभ होती है, जब हम अपने कंठ से कुछ बोलते हैं, इस मुख से कुछ बोलते हैं, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो योग सूत्रों के अनुसार उसकी शुरुआत सबसे पहले होती है मूलाधार चक्र से। तो मूलाधार चक्र से नाद ब्रह्म की शुरुआत होती है, फॉर्मलेस साउंड। मतलब अब इच्छा करिए, जैसे मान लो कि आप कुछ बोलने की इच्छा करते हो, तो जो आपने इच्छा करी तो मूलाधार चक्र से सूक्ष्म रूप में नाद ब्रह्म का निर्माण होता है, और उसके पश्चात फिर उसके ऊपर है सुषुम्ना नाड़ी, तो वो शब्द नाद ब्रह्म वहां से सुषुम्ना नाड़ी पर पहुंचता है, फिर उसके पश्चात मणिपूरक चक्र है, तो मणिपूरक चक्र पर आने के पश्चात वो जो मूलाधार चक्र में शब्द को बताया जाता है परा, परा के रूप में, अर्थात वो एक प्रकट नाम है परा, तो परा से जब वो पश्यंती बनता है, मणिपूरक चक्र पर आता है वो शब्द। आप ध्यान दीजिए, शब्द कहां तक पहुंचा है? मणिपूरक चक्र तक। उसके पश्चात अनहत चक्र है, तो अनहत चक्र इसे कहते हैं मध्यमा, तो मध्यमा में वो हृदय और बुद्धि में वो शब्द प्रवेश करता है, अर्थात अब उसको एक रूप मिल रहा है, उस शब्द को एक रूप मिल रहा है, उस शब्द को एक अर्थ मिल रहा है। वो कौन सी स्थिति है? मध्यमा। कौन से चक्र पर है? अनहत चक्र पर। और उसके पश्चात ये जो वोकल कॉर्ड्स जिसको कहते हैं, इसे कहते हैं वैखरी, वैखरी अर्थात विशुद्धि चक्र। तो जब शब्द विशुद्धि चक्र अर्थात वैखरी तक पहुंचता है, उसके पश्चात वो बाहर निकलता है। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि इन स्टेजेस से जब शब्द निकलता है, तो जब वो प्राकृत होता है तो उसके अंदर शक्ति नहीं होती, परंतु जब कोई शुद्ध भक्त उसको लेता है, भगवान के हरिनाम को लेता है, तो वो अप्राकृत बनता है। तो ये जो चार स्टेजेस हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, जो कि इन चक्रों से गुजरते हुए शब्द जो कि बिना रूप के रूप को अर्जित करता है, अर्थ को अर्जित करता है, और वो जब कंठ से बाहर निकलता है, तो वो जो भी उसके आसपास के जीव हैं, यहाँ तक के स्थूल वस्तुएं, उन सब को वो शुद्ध करता है। इसलिए कलयुग में हमारे मन को स्थिर करने के लिए उच्च स्वर में हरिनाम लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर जीव गोस्वामी पाद वो हरिदास ठाकुर का मनोभाव प्रस्तुत कर रहे हैं कि हरिदास ठाकुर ने ये श्लोक इन ब्राह्मणों को सुनाते हुए कैसे हरिनाम की प्रस्थापना की कलयुग में उच्च स्वर का हरिनाम। तो वो कहते हैं कि जैसे हरिनाम मुख से निकलता है, तो वो हरिनाम निकलता है तो अपने कानों में भी जाता है। यदि उच्च स्वर में हरिनाम नहीं लेंगे तो वो कानों में नहीं जाएगा। तो मूलाधार चक्र से जो शब्द हरिनाम निकला, वो अंदर से मन को नियंत्रण करता है,
और कंठ से वो हरिनाम निकलकर जब कर्णों में जाता है तो बाह्य रूप से मन को नियंत्रण में, तो अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से, ये कहेंगे ऊपर से और नीचे से मन को नियंत्रण। इसलिए कलयुग में मन जो कि इतना हमारा चंचल है, तो कलयुगी मन के लिए तो विशेष रूप से ये उच्च स्वर में हरिनाम निर्धारित किया गया है। बोलिए हरे कृष्णा। तो ये टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर हरिदास ठाकुर सुना रहे हैं इन ब्राह्मणों को कि यदि तुम्हें ये लग रहा है कि हरिनाम संकीर्तन केवल भावुक लोगों के लिए है, ये आत्म साक्षात्कारी योगियों के लिए नहीं है, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन इस श्लोक के द्वारा वो बता रहे हैं कि कैसे मूलाधार चक्र से विशुद्धि चक्र, कैसे परा से लेके वैखरी तक ये जब हरिनाम पहुंचता है तो इस मन को नियंत्रण करने के लिए उच्च स्वर में बताया गया है। इतना ही नहीं, फिर जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि यदि हम इस श्लोक को जो हरिदास ठाकुर ने कोट किया, इस श्लोक को यदि विच्छेदित करें तो इस श्लोक की शुरुआत हुई है या नाम, तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि यहां पर सिंगुलर टेंस यूज किया गया है, एक नाम, कि एक नाम काफी है। तो वहां पर वो अजामिल का उदाहरण देते हैं कि अजामिल ने जब अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा तो तब तक अजामिल बहुत वृद्ध हो चुका था और इतने कुकर्म उसने कर दिए थे, लेकिन जैसे ही पहली बार अजामिल ने अपने बेटे को नारायण बुलाया, हम तो क्या सुने हैं कि मृत शैया पर उससे पहले बहुत बार उसने नारायण अपने बेटे को बुलाया था, पहली दफा पैदा होते ही इसका नाम नारायण होना चाहिए, बस उसके जितने पाप उसने किए थे वो सारे चले गए, सारे साफ हो गए। तो यहां पर जीव गोस्वामी कहते हैं एक नाम, केवल एक नाम, इसलिए सिंगुलर नाम बोला गया है, यह नाम। फिर ग्रहणन, तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि नाम को ग्रहण करना है, इंग्लिश में यदि उसे कहेंगे टेक द नेम्स, एक्सेप्ट द होली नेम। तो जीव गोस्वामी पाद कहते हैं ग्रहण का अर्थ होता है इन द एक्ट ऑफ चैंटिंग। कई चीजें होती हैं कि आप उसको पूरा करोगे, कोई यज्ञ पूरा करोगे तो आपको उसका फल मिलेगा, कोई उपवास को पूरा करोगे तो उसका फल मिलेगा। यहां पर ये ग्रहण शब्द से जीव गोस्वामी पाद कहते हैं इवन इन द एक्ट ऑफ चैंटिंग वन गेट्स प्यूरिफाइड, उसके दौरान नरसिंह वामन श्री मधु बस रुक गया, वो कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गया, उस एक्ट के दौरान प्यूरिफाइड हो जाएगा, जीव गोस्वामी कहते हैं। अखिलान, तो यहां पर यदि कोई प्रश्न उठाए कि भाई अखिलान का अर्थ है एवरीवन, सब लोग, तो सब लोग कैसे शुद्ध हो सकते हैं, पता नहीं कौन किस दर्जे पर है, कौन किस आश्रम में है, कौन कौन से वर्ण में है। तो यहां पर अखिलान शब्द वो रेफ्यूट किसको करता है कि चाहे कोई सन्यासी है या नहीं है, चाहे कोई कौन सी भी जाति में पैदा हुआ, चाहे कोई कौन से भी जेंडर में है, कौन सी भी स्थिति में है, अखिलान का अर्थ है एवरीवन। और फिर श्रोत्रम, इस शब्द से जीव गोस्वामी पाद कहते हैं इसका अर्थ है कि केवल नाम की महिमा सुनने से वो शुद्ध हो जाएगा, नाम नहीं भी लिया उसने, जिह्वा से नाम नहीं भी लिया, केवल नाम की महिमा। तो उदाहरण अजामिल का फिर से देते हूं कि अजामिल यमदूत से बचा कैसे, मृतशैया पर लेटा हुआ है और अजामिल ने विष्णु दूतों के मुख से हरिनाम की महिमा सुनी, जैसे कि गुण श्रवण होता है, रूप श्रवण होता है, लीला श्रवण होता है, वैसे नाम श्रवण, नाम लेना और नाम के महिमा के बारे में सुनना।
तो यहां पर श्रोत्रम का अर्थ है कि केवल यदि नाम की महिमा सुन ले कोई तो उसका शुद्धिकरण। सद्य, अगला शब्द सद्य का अर्थ है इमीडिएटली। तो जी गोस्वामी पाद कहते हैं कि यदि इन ब्राह्मणों ने यह प्रश्न हरिदास ठाकुर से पूछा कि अरे भाई कोई समय भी तो होता है नाम लेने का, हाँ, जैसे कि गायत्री, जब गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो उसका समय है, आप कभी भी गायत्री नहीं कर सकते, उसका टाइमिंग है, उन संध्या पर आपको गायत्री करना है। जैसे पुरुषोत्तम मास में बहुत से नियम होते हैं अलग अलग चीज़ों के, तो उसका टाइम है, उस टाइम पर करना होता है। यहाँ पर श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं इमीडिएटली, जैसे ही जिस भी किसी समय पर, रात के 2 बजे, 12 बजे, 24 घंटे, कोई भी समय वो भगवान का नाम लेता है, सद्य पुनाति, शुद्धिकरण उसका वहीं पर। एव, ये जो शब्द इस श्लोक में है, जीव गोस्वामी फाइनली कहते हैं एव का अर्थ यहां पर ये है दैट अ हियरर ऑफ द होली नेम बिकम्स इक्वली प्यूरिफाइड एज द चैंटर ऑफ द होली नेम। ये छूट किसी विधि में किसी को नहीं दी गई कि जो उस हरिनाम का श्रवण कर रहा है वो भी उतना ही शुद्ध होता है जितना कि जो हरिनाम ले रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जब ये श्लोक श्री हरिदास ठाकुर ने इन सब ब्राह्मणों को सुनाया तो ये जो एक इनका प्रमुख ब्राह्मण था ये चिल्लाने लगा कि ये एक मुसलमान परिवार में पैदा हुआ और ये मूलाधार चक्र, सुषुम्ना नाड़ी और ये सारे चक्रों के बारे में बता रहा है, हमको शास्त्रों के श्लोक सुना रहा है, ये कभी संस्कृत सीखा नहीं, कोई किसी पाठशाला में गया नहीं, यदि तुमने जो कुछ कहा वो सत्य है तो मेरी नाक कट जानी चाहिए और यदि नहीं तो तुम्हारी नाक कटनी चाहिए। और कुछ समय बाद इस ब्राह्मण को ऐसा रोग हुआ कि केवल इसकी नाक गलकर गिर गई। तो जब श्री हरिदास ठाकुर को वो काजी द्वारा भेजे गए मुष्टंडे मार रहे थे और नवाब हुसैन शाह को जब पता चला, वो आकर जब देखा उसने, तो नवाब हुसैन शाह, उसके मन में भी हरिदास ठाकुर के प्रति दया आई, थोड़ी सी इंसानियत उसके अंदर जो थी वो बाहर आई और उसने कह दिया कि अरे ये लोग मार रहे हैं इसलिए क्योंकि तुम ये नाम ले रहे हो हिंदू भगवानों का, ये नाम लेना बंद कर दो, ये मारना बंद कर देंगे, नाम लेना बंद करो। उस समय श्री हरिदास ठाकुर ने ये अपने मुख से नवाब हुसैन शाह, उस काजी और वो सारे मुष्टंडे जितने खड़े थे और हम सब के सामने उन्होंने कहा, मेरे पीछे दोहराइए, खंड खंड होए देह जाए यदि प्राण, तब आमी वदने न छाड़ी हरिनाम, खंड खंड होए देह जाए यदि प्राण, तब आमी वदने न छाड़ी हरिनाम, खंड खंड होए देह जाए यदि प्राण, तब आमी वदने न छाड़ी हरि नाम। यदि मेरे देह को तुम टुकड़े टुकड़े कर दो, खंड खंड कर दो इस देह को, हर एक मेरे शरीर का टुकड़ा वो हरि नाम लेना नहीं छोड़ेगा, ऐसा विश्वास केवल जो नामाचार्य होते हैं
उन्हीं के अंदर ये पाया जा सकता है। तो ऐसे विश्वास के साथ और ऐसी शुद्धता के साथ जिन्होंने इस हरिनाम संकीर्तन को हम तक ला कर दिया, और इसलिए चाहे गौरांग महाप्रभु युगावतार रहे हों, परंतु उन्होंने श्रीला हरिदास ठाकुर को नामाचार्य वो प्रस्थापित किया, और उन्होंने कह दिया कि जो श्रीला हरिदास ठाकुर, जैसे कि हमने इसकी शुरुआत की थी कि जो श्रीला हरिदास ठाकुर के तिरोभाव महोत्सव में भाग लेता है, जो श्रीला हरिदास ठाकुर के गुणगानों का एक बार भी श्रवण कर लेता है, और जो श्रीला हरिदास ठाकुर के नाम का उच्चारण करता है, वो हरिनाम के उच्चारण के समान है। महाप्रभु ने कहा कि हरिनाम लेना और श्रीला हरिदास ठाकुर इनका नाम लेना एक समान है। तो यदि ऐसा दर्जा युगावतार उन्होंने श्रीला हरिदास ठाकुर को दिया, तो हमारा सौभाग्य क्या है कि हम आज के इस पावन अवसर पर उनके तिरुभाव महोत्सव में हम लोग शामिल हुए हैं, चाहे जाने अनजाने में हुए हों शामिल हुए हैं, और रोज़ यहाँ पर श्रीला हरिदास ठाकुर जी उनके हरिनाम लेते हुए अपनी कृपा बांट रहे हैं, उनका दर्शन। तो आइए हम उनसे यही प्रार्थना करें कि जैसे ये वरदान मिला हुआ है कि शुद्ध नाम हमारी जीवा पर आ सकता है, यदि हम उनके कृपा पात्र बन जाएं, और जो स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया है हरिनाम संकीर्तन लेने का, कम से कम हम उसकी शुरुआत तो करें, और हो सकता है कि हम भी उस एक स्तर पर पहुंच जाएं, एक दिन हम भी कहें कि यदि इस कलयुग के प्रभाव के द्वारा हमें भी कोई खंड खंड कर दे, तो हमारा हरेक खंड, हमारा हरेक टुकड़ा वो हरिनाम संकीर्तन लेता रहे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्रीला हरिदास ठाकुर तिरुभाव महामहोत्सव की जय। श्रीमान गौरांग महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।